अरे तू 11 रबी अव्वल के दिन भी मिठाई बांटता, आखा की आमद की खुशी में मनाता, मिठाई खिलाता। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मेरे पार्लियामेंट के इलाके में मैंने एक जूनियर कॉलेज को खुलवाया। 11th और 12th में उस जूनियर कॉलेज के पांच बच्चे नीट क्वालिफाई होकर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट लाकर अब मेडिसिन डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम मैंने किया, हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा में काम हुआ। ये काम आप कर सकते झारखंड में, कब कर सकते आप? जब आप अपने विधायक को कामयाब करेंगे, जब आप सियासी ताकत हासिल करेंगे। मगर अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको वोट डालना है, हमको वोट डालना है, तो फिर वोट डालने का मतलब यही होगा कि तुम वोट तो डाल रहे हो मगर अपने लिए नहीं डाल रहे हो, अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट नहीं डाल रहे हो, अपनी जान की हिफाजत के लिए वोट नहीं डाल रहे हो। क्योंकि जब तुम वोट डाल रहे हो तो शमशाद कैसे मरा बताओ मुझे, इतने लोग कैसे मर गए जब तुमने वोट डाला। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलेंगे, यहां की सरकार बोलेगी, अरे ओवैसी तेलंगाना की सरकार में बहुत पैसा है, हम गरीब प्रदेश है। नहीं नहीं, गरीब तुम नहीं हो। 2019 और 20 में झारखंड सरकार को मिनरल्स में 5,165 करोड़ रुपये मिला, 5,165 करोड़ रुपये मिला है। कहां गया ये, किसकी जेब में गया पैसा, ये किसकी जेब में गया बताओ? गरीब के जेब में तो नहीं गया, गरीब के बच्चे तो शिक्षा से नहीं कर रहे। 5,165 करोड़ रुपये इनको मिले और फिर हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बताइए कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं, मिथिलेश ठाकुर उनका नाम, वो मालूम मुझे है, वो मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर ने 6 दिसंबर के दिन मिठाई बांटी। अरे तू 11 रबी अव्वल के दिन भी मिठाई बांटता, आखा की आमद की खुशी में मनाता, मिठाई खिलाता। मगर मंत्री ने कहा कि नहीं, 6 दिसंबर को हम बांटेंगे, मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हेमंत सोरेन, ये आपका सेकुलरिज्म है और आप हम पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, अगर तुम एक जबान से मेरे खिलाफ झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी 1000 सच्चाइयों को जनता के सामने रखूंगा। अब आप देखिए इनका रिकॉर्ड, अब इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी, अब थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटे लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मरतबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो मैं हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मुझे अभी बताया गया कि मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना शेख भिखारी साहब का पड़ पोता, शेख भिखारी साहब जिसने अंग्रेजों की गुलामी
से देश को आजाद कराने के ये झारखंड का अजीम सपूत, उनका पड़पोते को 24 अगस्त 2023 को मंदर ब्लॉक रांची में, जिसका नाम बिट्टू खान है, उसको मॉब लिंचिंग कर दी गई। वो अब दवाखाने में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शेख भिखारी साहब का पड़पोता, वो बेचारे जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, और जालिमों ने उनके पड़पोते को मां पीट पीट कर अस्पताल को पहुंचा दिया, और अभी तक उस केस में कोई एफआईआर नहीं हुआ हमको बताया जा रहा है।